हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बेसिक हैंड स्टिचेस के कुछ इंस्ट्रक्शंस और क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस में उसके 3 टाइप्स के बारे में देखा था कि आपके कितने तरीके से हैंड स्टिचेस को डिवाइड किया गया है, जो थी हमारे टेम्परेरी हैंड स्टिचेस, परमानेंट हैंड स्टिचेस और डेकोरेटिव, जिसमें हमने टेम्परेरी हैंड स्टिच के बारे में बात की थी कि उसके कितने तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने उसके कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात की थी, पिन बास्टिंग के बारे में बात की थी और जो भी उसके इवन और अनइवन के बारे में बात की थी, वही जितने भी उसमें टेम्परेरी हैंड स्टिचेज होते हैं उनके बारे में हमने पूरी डिटेलिंग की थी। उसी तरीके से उसके जो सेकेंड पार्ट था परमानेंट हैंड स्टिचेस, उसके बारे में आज हम बेसिक हैंड स्टिचेस में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट परमानेंट हैंड स्टिचेस। यहाँ हम बात करेंगे परमानेंट स्टिचेस के बारे में। जो भी हमारे गार्मेंट्स तैयार किए जाते हैं उनके जो स्टिचिंग वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, हैंड स्टिच के लिए अलग से एक जगह छोड़ देते हैं। ये आपके जो भी स्टिचेस होते हैं, मतलब जो मशीन से स्टिच किए जाते हैं, उन्हीं का ही एक तरीके से हिस्सा होते हैं। जैसे आपके कहीं पे भी मशीन स्टिच किए जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, कहीं पे हमको कवर करना है तो वहाँ पे हम रनिंग स्टिच का या बैक स्टिच का या हेमिंग का यूज करके उसे पूरा तैयार करते हैं। कई बार देखा होगा जो बॉटम एरिया होता है वहाँ पर हम हेमिंग करते हैं, जो आपके स्लीव पार्ट होता है, या फिर ब्लाउजेस के अंदर भी जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ पर हम हेमिंग का यूज करके उसको फिनिश करते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें हम हमेशा मशीन स्टिच का ही यूज करते हैं। ये आपके जो स्टिचेस है ये आपके नॉर्मल स्टिच भी कहलाती है, जैसे आपके फंक्शनल स्टिचेस भी हो जाती है और डेकोरेटिव के पर्पज से भी की जाती है। इसका यूज करके आप आसानी से डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे रनिंग स्टिच का यूज करके कई ऐसी एम्ब्रॉयडरीज की जाती है, बैक स्टिच का यूज करके भी आराम से एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है, और भी इन स्टिचेस का यूज करके आप एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई भी फ्लावर्स या कोई भी डेकोरेटिव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ परमानेंट स्टिचेस के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, रन एंड बैक कॉम्बिनेशन स्टिच, हेमिंग, स्लिप स्टिच, ओवरहैंडिंग और विप स्टिचिंग। ये आपके जो भी परमानेंट स्टिच है उन्हीं के टाइप्स हैं कि कितने तरीके से आप परमानेंट स्टिचेस कर सकते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि रनिंग स्टिच कैसे की जाती है, क्या होती है, बैक स्टिच क्या होती है, हेमिंग क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम रनिंग स्टिच से। यहाँ पर हमारा पार्ट है रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच को हम डार्निंग स्टिच भी कहते हैं। ये आपके जो भी इवन बास्टिंग होती है उसी तरीके से की जाती है। जैसे हमने टेम्परेरी स्टिच में इवन बास्टिंग के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से रनिंग स्टिच की जाती है। बट ये क्या होती है, जो आपकी इवन स्टिचेस होती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है, 1/16 इंच थोड़ा सा अलग होती है, और ये आपके गैदर्स के लिए, टक्स के लिए, इनके लिए यूज की जाती है बेसिकली। अगर आपको कहीं पे भी कपड़े को इकट्ठा करना है, या फिर आपको टक्स का यूज करना है, या फिर आपको कहीं कच्चा करना है, तो आप रनिंग स्टिच का यूज करके भी आसानी से कर सकते हैं। और रनिंग स्टिच का यूज आप एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पे भी लीफ दिखानी है या फिर कोई फ्लावर तैयार करना है, तो मल्टी कलर का यूज करके आसानी से आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं बैक स्टिच की। जो आपकी बैक स्टिच होती है वो एक तरीके से किसी भी फैब्रिक को, उसके अंदर जो स्टिचेस होती है उसको एक तरीके से मशीन का ही लुक देती है। जैसे आपके मशीन के टाके होते हैं वैसे ही ये शो होती है। आपके बैक स्टिच जो फैब्रिक की जो राइट साइड होती है वहां पर ये एक तरीके से मशीन के जो टांके होते हैं उसी की तरह दिखाई देती है, और लेकिन जो ये रॉन्ग साइड होता है वहां पर ये ओवरलैप होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टिचेस चढ़ी हुई दिखाई देती हैं। और जो इसका यूज है वो आप मेंडिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी फैब्रिक अगर आपका फट गया हो वहां पे भी कर सकते हैं, कोई स्मॉल एरिया हो जैसे छोटी जगह पे आपको स्टिचेस करनी है वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मशीन सेट नहीं करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी स्टिच हो वो आपका मशीन की ही लुक दे, तो आप यहाँ पर भी बैक स्टिच का यूज करके आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। बैक स्टिचेस का जो यूज है वो जो भी आपके इनविजिबल स्टिचेस होती हैं वहां पर भी, जो उसका राइट साइड होता है वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, और ये आपके जैसे एप्लिक वर्क है उसमें भी आप आसानी से बैक स्टिच का यूज कर सकते हैं। आपको जैसे एम्ब्रॉयडरी करनी है एप्लिक वर्क में तो आप बैक स्टिच का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। और जो आपकी बैक स्टिच होती है वो बहुत ही
जल्दी तैयार हो जाती है और जो इसका वर्क है वो भी बहुत ही मजबूत रहता है। जैसे आपको हाथ का काम करना है तो वो आपके बैक स्टिच से अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही मजबूत रहेगा जहाँ पे भी आप इसकी स्टिचिंग करेंगे। और बैक स्टिच जो होती है वो अगर आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी में यूज करना चाहते हैं, जैसे फ्लावर्स बनाना चाहते हैं, कोई मोटिव लेकर के तैयार करना चाहते हैं, तो वहां पर भी इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है और जो भी आपकी एम्ब्रॉयडरी का लुक आएगा वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो आसानी से आप इसका यूज करके कोई भी एम्ब्रॉयडरी तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रन एंड बैक कॉम्बिनेशन स्टिच, जिसको आप रन एंड बैक भी कह सकते हो, कॉम्बिनेशन स्टिचेस भी कह सकते हो। जो कॉम्बिनेशन स्टिचेस होते हैं वो आपके रनिंग स्टिच में 3 या 4 रनिंग स्टिच होती है और बैक स्टिच होती है साथ में ही। जो आपके बैक स्टिच से तो जल्दी तैयार होती है और रनिंग स्टिच जो होती है उससे ज्यादा मजबूत होती है। जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसे तैयार किया जाता है। जैसे अगर आप बैक स्टिच करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, और अगर रनिंग स्टिच करते हैं तो वो जहाँ पे भी आपने रनिंग स्टिच किया है वो एरिया थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, मतलब जो टांका है वो आपका एक तरीके से कच्चा रहेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बैक स्टिच जब करेंगे तो वो स्पीड में भी होगी और जो रनिंग स्टिच होगी वो वहां पर मजबूत भी हो जाएगा जब दोनों को कॉम्बिनेशन करके तैयार किया जाएगा। तो जो इसका यूज है वो आप सीम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पे भी सीम करनी है, कहीं पे भी स्टिचिंग करनी है, तो वहां पर भी आप इसका यूज करके इसे तैयार कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हेमिंग। हेमिंग जो होता है वो आपके किसी भी फैब्रिक पर स्टिच करने के लिए आपके या तो सीधे तरीके से किया जाता है या फिर आपको कर्व स्टिच करना है तो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। जो भी आपका फैब्रिक होता है उसका जो बॉटम पार्ट होता है वहां पर अगर आप गुलाई वाले एरिया पे हेमिंग करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेट एरिया है वहां पर भी अगर आप इसकी स्टिचिंग करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप हेमिंग का यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है गारमेंट में वो हमेशा रॉन्ग साइड में किया जाता है और जो भी आपका फैब्रिक है उसी कलर के थ्रेड का यूज करके आप इसकी स्टिच कर सकते हैं। जो आपकी हेमिंग वो हमेशा आपके सेम थ्रेड से की जाती है, जो भी आपका फैब्रिक है उसी कलर के, क्योंकि अगर आप उसकी मल्टी कलर से करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपने अच्छे से हेमिंग नहीं की होती है तो उसमें क्या टांके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो दिखने में बेकार लगने लग जाता है। तो इसलिए जो भी आपका फैब्रिक है उसी कलर के थ्रेड का यूज करके आप हेमिंग कर सकते हैं। और जो इसकी विड्थ होती है, जो आपकी हेमिंग होती है इसकी विड्थ आपके फैब्रिक पर डिपेंड करती है, आपके जो भी गारमेंट्स है उसके बनावट पर चेंज होती रहती है। अगर आपका कहीं पे भी आपको हेमिंग करनी है, कहीं पे छोटी करनी है, कहीं पे बड़ी करनी है, तो वो आपके गारमेंट्स के आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब हेमिंग जो होती है वो दो तरीके से की जाती है, एक तो होता है क्विक और ब्लैंड हेमिंग और दूसरा होता है इनविजिबल और स्लिप हेमिंग। क्विक हेमिंग जो होती है वो ज्यादातर आपके जो टेलर्स होते हैं वो यूज करते हैं और जो भी हमारा गारमेंट होता है उसकी रॉन्ग साइड पर तिरछे टांके शो होते हैं और ये आपकी हेमिंग की सबसे इजी मेथड है और जल्दी तैयार हो जाता है। और इनविजिबल हेमिंग और स्लिप हेमिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों साइड से, ना ही रॉन्ग साइड और ना ही राइट साइड से शो होती है। और जो इसका यूज है वो आपके कोई भी नेक की फेसिंग की जाती है वहां पर आप कर सकते हैं या फिर आप जो कोट होता है उसकी जो बैक साइड होती है जहां पर हम अस्तर जोड़ते हैं वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो शो नहीं होगा। या फिर किसी भी किनारे को खत्म करने के लिए, जो आपके बॉटम एरिया होता है उसको खत्म करने के लिए भी इनविजिबल हेमिंग का यूज कर सकते हैं ताकि ये शो ना हो। फिर आता है हमारा स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिचिंग जो होती है वो आपके कोई भी गारमेंट्स के जो 1/2 इंचेस पर किया जाता है और जो इसका यूज है वो एक तरीके से हेम्स या फिर फेसिंग पर किया जाता है। ये आपके इनविजिबल तो होती है बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। फिर आती है हमारी ओवर हैंडिंग। ये स्टिच आपके जो भी फैब्रिक होता है उसकी राइट साइड में तो स्ट्रेट दिखाई देती है लेकिन जो आपका फैब्रिक है उसकी जो रॉन्ग साइड होती है वहां पर ये तिरछी शो होती है। और जो भी फैब्रिक का मुड़ा हुआ साइड होता है, मतलब जो भी उसके किनारे होते हैं मुड़े हुए, वहां पर इसका यूज किया जाता है, जिसमें जो कपड़े का जो रॉन्ग साइड होता है उस साइड में उसको मोड़ा जाता है, मतलब उसकी फेसिंग की जाती है, उस साइड में इसको आप स्टिच का यूज कर सकते हैं। इस सिलाई पर अगर काम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जो भी आपकी निडल होती है उसको, जो उसकी फोल्ड होती है वहां पर इसको 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है, उसके बाद इसकी स्टिचिंग की। और इसका जो यूज है, जो स्टिच है इसका यूज हम जो भी
फैब्रिक के किनारे होते हैं उनको खत्म करने के लिए करते हैं, और बाद में ये लेस और पैच जो होते हैं या फिर जो भी हमने लेटर अटैच किए हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जोड़ा है वहां पर इसका यूज करके दिखाया जा सकता है। जब भी हम किसी फैब्रिक पे स्टिचिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके साइड वाले किनारे होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हल्का सा फोल्ड करके वहां पर ओवर हैंडिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके किनारे नहीं निकलते और वो आसानी से फिनिश हो जाता है। या फिर जो भी आपका बॉटम एरिया होता है उसको कवर करने के लिए या फिर उसको फिनिशिंग देने के लिए भी ओवर हैंडिंग का यूज किया जाता है। लास्ट आता है हमारा वाइपिंग स्टिच। ये एक तरीके से आपके जो ओवर हैंडिंग स्टिचेस होती है उसी की तरह शो होती है, लेकिन जो इसके अंदर जो आपके हाथ की सुई होती है, जो हमारी निडल होती है, उसे स्ट्रेट रखकर ही इसे तैयार किया जाता है। जो भी उसके फोल्ड्स होते हैं, जहां पर भी हमको इसका यूज करना है, जो उसके फोल्ड्स होंगे वहां पर क्या करेंगे हम निडल को सीधा रखेंगे, जो भी फैब्रिक की जो राइट साइड होती है वो वहां पर ये थोड़ी सी तिरछी शो होगी। जैसे कि हमें हमारी जो ओवर हैंडिंग स्टिच थी उसके अंदर क्या था, जो राइट साइड था वहां पर हमको ये स्ट्रेट शो हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो राइट साइड है फैब्रिक का वहां पर ये तिरछी शो होगी। और जो इसका यूज है वो ज्यादातर आपके जो भी हैंकर चिप्स होते हैं उनके किनारों को खत्म करने के लिए या फिर उनकी फिनिशिंग देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपके जो ओवर हैंडिंग स्टिच थी उसके अंदर हम निडल का ही था कि आपका जो भी निडल है उसको थोड़ा सा तिरछा करके रखा जाता था, इसके अंदर आपके जो निडल है उसको स्ट्रेट करके रखा जाता है ताकि जो इसके स्टिचेस है वो आपके राइट साइड में तिरछी शो हुए, लेफ्ट साइड में स्ट्रेट रहे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में टेम्परेरी हैंड स्टिचेस के बारे में जाना था, उसी तरीके से अब हमने परमानेंट हैंड स्टिच के बारे में समझा कि आपके जो भी बेसिक हैंड स्टिचेस होते हैं उसमें परमानेंट हैंड स्टिचेस जो होते हैं उनकी कौन कौन से टाइप्स है, उनको कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हमने समझा है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में भी हम उसके ही थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपका डेकोरेटिव हैंड स्टिच थे। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। जो भी स्टिचिंग करना चाहते हैं, उनके बेसिक नाम जानना चाहते हैं, वो आसानी से इसे देख करके इसे समझ सकते हैं कि कौन सी स्टिच का नाम क्या है। ये सारे नाम जो होते हैं वो आपके टेक्निकल नाम्स हैं, इनका यूज करके आप किसी भी तरीके से कोई भी स्टिच आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, जो भी इन टेक्निकल नाम्स को समझना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो आसानी से इन वीडियोस को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।